डियर टीम, आज मैं आप लोगों के साथ अटेंडेंस और सैलरी से संबंधित कुछ बातें करना चाहूँगा। देखिए, अटेंडेंस लगाना एक स्टाफ की बेसिक डिसिप्लिन इशू है। इसमें ना तो किसी रिमाइंडर, ना ऑफिस ऑर्डर और ना किसी नोटिफिकेशन की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इस महीने से ध्यान रखिए, हर एक को सेल्स ऐप के माध्यम से ही अपने ब्रांच की अटेंडेंस ब्रांच में रह के लगानी है, और सेल्स ऐप में जो अटेंडेंस कैप्चर होगी इस महीने से सैलरी केवल उसी अटेंडेंस पे दी जाएगी। किन्हीं कारणों से अगर अटेंडेंस नहीं लग पाती है, आप अपने सीनियर के साथ वाजिब कारण देते हुए संपर्क करें कि आप आज या उस दिन की अटेंडेंस क्यों नहीं लगा पाए हैं। आपके सीनियर उसको एचआर के साथ शेयर करेंगे और 24 घंटे के अंदर उस अटेंडेंस को रेक्टिफाई करवाया जाएगा। 24 घंटे के बाद किसी भी परिस्थिति में स्टाफ की अटेंडेंस नहीं बदली जाएगी और इसमें कोई आगे अप्रूवल या बदलाव की व्यवस्था नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए, जून से आप अपने ब्रांच से रोज़ाना बिना रिमाइंडर, बिना किसी के याद करवाए अटेंडेंस लगवाइए। जहाँ तक आती है मई महीने की सैलरी की बात, तो उसमें पहला ट्रांच जो आप लोगों के अकाउंट में कल आया है वो सेल्स ऐप के अटेंडेंस के माध्यम से ही दिया गया है। बाकी सैलरी जहाँ पर आप लोगों ने काम किया है और वो किसी कारण से सेल्स ऐप में कैप्चर नहीं हो पाई है, उसके लिए आप अपने सीनियर के साथ बिजनेस टीम क्लस्टर हेड्स और क्वालिटी टीम क्लस्टर क्वालिटी मैनेजर के साथ बात करें। सभी लोग इन अटेंडेंस को कंपाइल करके एचआर के साथ शेयर करेंगे और अगले 2 से 3 दिनों में करेक्ट करके बाकी बची हुई सैलरी दे दी जाएगी। मगर ध्यान रखिए, स्थितियां अब पूरी तरीके से नॉर्मल हैं। स्टाफ को ब्रांच में आके ही काम करना है। हमारा काम फील्ड से संबंधित है। फ़ोन पे या जूम कॉल पे अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। कलेक्शन कस्टमर के सेंटर पे या कस्टमर प्लेस पे नहीं जाएंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। इसलिए अब जूम कॉल पे कोई अटेंडेंस नहीं कैप्चर होगी। जो स्टाफ ब्रांच में काम कर रहे हैं और ब्रांच से अटेंडेंस लगा रहे हैं, उन्हीं की अटेंडेंस मानी जाएगी। धन्यवाद।